कि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, लोग अपने घर पे गणपति बिठाते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट टीचर हूँ, तो मैंने अपनी भावनाओं अपने आर्ट में दिखाई है, जिसमें मैंने पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स में भी वो सब कुछ मैंने करके दिखाया है। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ बनाई है आपने? मैंने टोटली 3 चीज़ें बनाई है। एक तो सबसे पहले जो तीली होती है, माचिस की तीली, उस पर मैंने 8 मिलीमीटर के गणेश जी बनाए। प्रोफेशन मेरा टीचर है, तो चौक से तो मेरा लगाव रहता है। चौक में मैंने 30 मिलीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर का मैंने गणेश जी का कोतरनी किया, यानी कि कार्विंग किया हुआ है। और तीसरा मैंने जो मार्बल अभी लखोटिया गोटिया जिसको बोलते हैं, वो एक मार्बल पर मैंने गणेश जी पेंटिंग किए हुए इंक से, और उसकी साइज़ है करीबन 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर जितनी। साथ में आप देख रहे हो कि अभी कोरोना भी चालू है, तो बाहर चीज़ें इजीली नहीं अवेलेबल होती है, तो मैंने अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी का मैंने यूज़ किया है। जैसे कि मैस्टिक घर पर होती है, स्टॉक तो मेरे पास होता ही है, और मार्बल लखोटी जो होती है वो मेरे सबसे फेवरेट बचपन की गेम थी, तो मेरे पास काफ़ी सारी मार्बल्स है, तो इस बार मैंने मार्बल्स पे भी उसे अपनाया। ज़्यादातर लोग गणपति की मूर्ति बनाते हैं या ऐसे चीज़ों से गणपति बनाते हैं जो आप विजुअलाइज होते हैं, जो आप देख सकते हो। मैंने अपनी छोटी छोटी कलाकृति इस तरह से बनाई है कि आपको देखने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैंने इतना साफ सुथरा और हो सके उतना क्लियरिटी देने का मैंने कोशिश किया हुआ है, और जो भी लोग यहाँ पर इसे देखने आते हैं वो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास इसको आराम से देख पाते हैं।